नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है प्रदीप चौधरी। दर्शकों, प्रदीप चौधरी बुलंदशहर जनपद की सदर सीट से विधायक हैं वर्तमान में। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका जीवन सफर और उनकी राजनीति की जो यात्रा है, इन सब तमाम बातों पर आज हम उनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रदीप चौधरी जी से। सो साहब नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बांके बिहारी लाल की जय। जय हो, जय हो। बांके बिहारी के बिना तो एक ही नाम और एक ही काम है। जी जी, ठाकुर जी की जय। तो चौधरी साहब, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गाँव कलैना है, यहीं पर खुर्जा के पास है। कलैना गाँव है आपका? तो आपकी पढ़ाई गांव से ही स्टार्ट हुई है? कहाँ? गांव से ही था, गांव का किसान का बेटा हूँ, गांव से ही पढ़ाई हुई। जी जी जी। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? नहीं, मैं क्वालिफिकेशन 12वीं से आगे पढ़ नहीं पाया क्योंकि स्थिति नहीं थी परिवार की पढ़ाने की। जी जी जी। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में दो भाई है, एक बहन है, माता पिता है और वाइफ। आप बड़े हैं सब में? हाँ, मैं सबसे बड़ा। ओके। तो पारिवारिक परिस्थितियाँ, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या, मतलब कैसी रही? किसान की कैसी पृष्ठभूमि होगी सभी जानते हो आप, मतलब किसान परिवार से आते हैं? बिल्कुल, किसान परिवार। तो गांव में खेती, फादर वगैरह खेती करते हैं? आपने खेती की है? हाँ बिल्कुल करे। तो जब आपने 12th तक अपनी एजुकेशन ले ली तो उसके बाद फिर आप किस प्रोफेशन में आए आगे? 12th में करने के बाद मन था भी घर परिवार कैसे आगे बढ़े और कैसे हम लोग फैमिली को आगे बढ़ाएं, तो उसमें मन था कोई व्यापार धंधा कर लें, काम करें, क्योंकि स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी। कहीं बड़ा कोर्स कर लें या कहीं अपना, समझ रहे होंगे आप, ज्यादा कहने से कोई वो नहीं है। मतलब बैकग्राउंड की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि हम कोई बड़े अच्छे किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ा अपना। जो हम जाते थे अपना, हमारे हाथ में टाटका हो रहा था बैग, एक तख्ती और वो चौका मारते थे हम, तख्ती को बोलते ना, उससे घिसते थे उससे, और पैदल मारता था। उस हाइक ऐसी स्थिति नहीं थी कि भाई कोई वाहन हो, घर से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल जाना होता था। जी। तो पहले भाड़े पड़े, फिर बटवारे पड़े, फिर आंचरू पड़े, फिर बड़ा चितोला। तो 12th के बाद आपने फिर किस प्रोफेशन में आप गए, मतलब आपने कोई काम किया? मैंने 13 साल की उम्र में ना, जब मैं यहाँ से सन 85 में 10th करी जी सेंट्रल कॉलेज से, जी, तो उस समय मैं बुलंदशहर उसका अपने स्कूल का टॉपर था। जी। तो मन में था भाई जब अच्छी ग्रेजुएशन, वो पढ़ाई अच्छी हुई है, शिक्षा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आगे भविष्य भी देखना है। जी। और परिवार की स्थिति बढ़िया नहीं थी कि वो कहीं वो कोर्स करा पाते या पढ़ा पाते, तो मैंने जब ही से घर छोड़ दिया अपना। ओके। और घर छोड़ने के बाद जब आदमी जाएगा काम धाम के लिए, तो आप जानते होंगे, कभी दूध का काम करा, कभी ट्री चलाई, वो अब चलाता भी हूँ मैं। व्यापार बस धीरे धीरे बताया ना, पहले दूध का व्यापार करा, फिर ट्री का व्यापार करा, फिर रिक्शे का व्यापार करा, उसके बाद जो 3 व्हीलर चलते हैं इनका, इनका ये 2-4 ले लिए चलवाए, फिर इसके बाद जनरेटर का काम शुरू करा। ओके। जो जनरेटर किराए पे जाते हैं जी, पंडल, वो शुरू करा। उसके बाद में फिर जो एक फर्म बनाई आर्क एंटरप्राइज, उसमें काम करा, बिल्डिंग मटेरियल का काम। अच्छा, आपने बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम? हाँ, किया। फिर आरएमसी लगाई, आरएमसी प्लांट में पार्टनर, रोड मिक्स प्लांट आपने लगाया। जी। उसके बाद फिर तेल का काम करा। कौन से तेल? व्हाइट तेल आता था, व्हाइट केरोसिन आता था पहले, इम्पोर्ट कराते थे, उसका काम करा। और बाकी जो भी काम मिलता रहा तो करते रहे उसे, जिंदगी में जैसे भी आगे बढ़ा जाए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करी, जो ट्रांसपोर्ट में भी, ट्रांसपोर्ट भी करी, गाड़ियां रही हाई बात है, गाड़ियां जी। ओके। क्योंकि मटेरियल लाते थे तुमसे ही लाते थे। ये कहाँ आपका कार्य है? दिल्ली एनसीआर में हो रहा था? दिल्ली एनसीआर में था। दिल्ली एनसीआर में था, बिल्कुल। तो मैं यहाँ के जाने के बाद दिल्ली चला गया, दिल्ली के बाद फिर वापसी गाजियाबाद आया, तो गाजियाबाद में मैंने ये काम शुरू करा। जी। तो शादी आपकी कब हुई, कौन से? शादी मेरी 96 में हुई। तो मैडम हाउस वाइफ ही हैं? हाँ, हाउस वाइफ हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं, बेटा बेटी, बेटी बड़ी, बेटा छोटा। बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं? दोनों बच्चे कॉलेज में हैं, स्कूल में? नहीं, बेटी ने तो MBBS करके PG कर लिया, उसका PG का पेपर है, डॉक्टर हो गई। बेटा भी MBBS में ही है,
वो भी फोर्थ ईयर में, दोनों बच्चे मेडिकल में है। बस तमन्ना है, इसलिए थी शुरू से ही मन था कि बच्चे अगर डॉक्टर हो जाएंगे तो पुलिन से जगह कहीं ना कहीं नर्सिंग होम ऐसा खोल के समाज सेवा का मन पहले से ही था। कभी बच्चे गवर्नमेंट से एमबीबीएस किए या प्राइवेट से? बच्चे प्राइवेट में थे, प्राइवेट से थे। तो अभी आपका जब मतलब मास्टर्स कर लेंगे तो फिर आपका मन है, वो तो बागी बागी यार कृपा क्या करेंगे, लेकिन मेरा मन है कि समाज सेवा के लिए इससे बढ़िया कोई। मदर फादर है अभी? नहीं, फादर एक्सपायर, मदर है। मदर है। छोटे भाई क्या करते हैं? छोटा भाई व्यापार करते हैं, दोनों व्यापार करते हैं। तो राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आप जब बिजनेस? तो राजनीति की शुरुआत ये थी कि भाई अगर आप राजनीति राजधर्म का पालन करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कोई समाज सेवा नहीं है। जी, मन ये था कि भाई अगर राजनीति में आता हूँ तो अपने राजधर्म का पालन, जो शपथ ली है उसका निर्वाह करूँ, और वो करता हूँ। यहाँ सब लोग बता देंगे, सुबह 6 बजे से बैठता हूँ, शाम 8 बजे तक पब्लिक की जितनी भी समस्या है उन्हें सोचते और सुनवा कर उनका निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करते हैं। शुरुआत कैसे हुई राजनीति की? भाई शुरुआत राजनीति की मन था भाई समाज सेवा करें, तो जिला पंचायत सदस्य लड़ा मैं खुद अपने यहाँ से, अपने क्षेत्र से। अरनिया मेरा गांव नहीं है, मेरे बराबर में है, लेकिन इसी अरनिया ब्लॉक है खुद जाना, जो अलीगढ़ के वाले रोड पर है। हाँ, सदस्य लड़ा, सदस्य के बाद में मुझे लगा भाई समाज सेवा करने के लिए। सदस्य का चुनाव जीत गए थे पूरे जिले में, दूसरे नंबर पे था। ओके, और जहाँ पे हमारी बिरादरी कुल 2000 थी, अदर बिरादरी अगर ठाकुर साहब थे तो 45,000 थे जी, और एससी भाई से तो वो भी 35-37,000 थे। उसके बावजूद भी जनता ने इतना प्यार और समर्थन दिया जी, और दो जाटों में भी एक जाट भी खड़ा हो गया बगराई से, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे आया बोले। तो जिला पंचायत सदस्य आप कौन से टर्म पर है? 2015 वाले, 2015 वाले टर्म पर। तो जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अध्यक्ष बना, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे? अध्यक्ष रहा। तो कितने टाइम आप रहे अध्यक्ष? 18 महीने, 15 से 18 महीने, 18 महीने रहा। तो उसमें विरोधी जो थे जी, जो अदर पार्टी के थे सपा बसपा वाले जी, मैंने उसकी आवाज उठाता भी रहता हूँ। एक मॉल बनाया उन्होंने यहाँ जी काले आम पे जी, वो मॉल भ्रष्टाचार का अड्डा था। हाँ, वो लोग चाहते का मैंने आपने उसमें असेंबली में भी ये बात उठाई थी। तो ये जिला पंचायत का जो मॉल है ये हरेंद्र यादव के टर्म में बना था? हरेंद्र यादव नहीं, आशा यादव थी जी उस समय आगे उनकी मैसेज, उससे पहले हरेंद्र यादव थे, दोनों ने सपा बसपा में थे, उन्हीं के टाइम में बना हुआ है। एक प्रदीप कुमार ये में था जी, जो सीबीआई के द्वारा पहले अरेस्ट हो चुका। भ्रष्टाचार क्या हुआ? क्या भ्रष्टाचार? 20 बिंदु मैंने देखे थे, 200 ने घर ठीक बताया, जितने विधायक ने दिए हैं आज विधायक हूँ, पहले तो मैं अध्यक्षवाद में एक आम ही नागरिक था, जितने बिंदु मैंने जांच के दिए, वो जांच जो दिए वो मेरे ही कहे हुए ठीक बोले, कोई चीज ठीक नहीं थी। पहले तो ये जिला पंचायत का मॉल यहाँ बनी नहीं सकता था जी, इन्होंने सरकार से परमिशन नहीं ली। ओके, उसके बावजूद इन्होंने फर्जी करके वो परमिशन लगा दिया, फिर नक्शा पास नहीं था इसका। तो परमिशन इनको जिला पंचायत जो मिनिस्ट्री उससे लेनी थी या मिनिस्ट्री से? वो शासन से लेगा तभी बना पाएगा। अच्छा, शासन से नहीं मिली, उन्होंने क्या जोड़ गांठ करी। फिर ये मिली भी तो ये केवल उसके लिए मिली कि इतने 8 मंजिल तक आप यहाँ कर्मचारी रहने के लिए मिली, लेकिन उन्होंने उसमें दुकानें बना डाली। ओके, मतलब इन्होंने जो फ्लैट बनाए हैं और जो कमर्शियल दुकानें बनाई, सब गलत है, सब गलत है। मतलब इनकी जो परमिशन है वो ये थी जिला पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, इन्होंने मांगे उनके लिए फ्लैट बनाने के लिए जी। इसमें लोन नहीं ले सकते थे, जो कि इन्होंने लोन लिया 9.5 करोड़ बैंक से, आप लोन नहीं ले सकते ना सरकारी जमीन पर, कैसे ले लेंगे? वो भी फर्जी ले लिया। सब बिंदु है, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, आप देख लो। नहीं, आप जनता को बताइए ना, जनता ही तो बता रहा हूँ मैं। 20 बिंदु थे, वो 20 बिंदु मेरे द्वारा आरोप लगाए गए वो ठीक में वो है जो इन्होंने मॉल बनाया। पहले तो मॉल की ओपन बोली होनी थी जी, ओपन बोली होती तो ये 2 नंबर काम कैसे कर पाते जी। तो इन्होंने ओपन बोली ना करके इसको वैसे ही फर्जी अपना तेपते लेख कर दिया। भाई ओपन बोली होगी तो आप अपनी मर्जी से बोली लगाओगे ना जी जी जी। अब इन्होंने रेट लग दिया उसका 3,000 और ले लिया ऊपर के 6,000-9,000 हो गया ना, जिसको पात्र है वो तो 9,000 गए उसके, एक्चुअल जो जिला पंचायत में गया 3,000 गया। इस तरह का फर्जी वाला करके उसकी ओपन बोली नहीं करी। तो इसमें अभी बिजली का लेकर भी और लोगों को जो अलॉटमेंट में भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। समस्या जो फर्जी सारा ही है तो एसआईटी कर रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने वहां विधानसभा में बोला, फिर एसआईटी की मांग करी, एसआईटी चालू होगी, इसकी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। क्योंकि इनका ये प्रदीप कुमार जो है ये भ्रष्टाचारी अधिकारी है, पहले डायरेक्टर रहा है ये जो एएम में था, एएम में था, उसके बाद इंजीनियर था, इंजीनियर से एक पुल बनाया वो टूट गया, उसमें जेल गया है। उसी के संग हरेंद्र यादव आशा यादव थे दोनों। भाई आप मॉल भवन बना रहे हो, अध्यक्ष का भी तो काम बनता है कि मैं देखूं उसको। जी जी बिल्कुल, और बिना अध्यक्ष के तो चीजें होंगी नहीं, बिना उसके साइन के होंगे नहीं। भाई इसमें जो मैंने सुना है
कि ये अलॉटमेंट वाली जो आप बता रहे हैं कि इस अलॉटमेंट में इन्होंने दिखाया कि भाई इतने रुपए और लोगों से लिए इतने, और इसमें भी जब परमिशन इनको जिला पंचायत के कर्मचारियों के लिए मिली तो इन्होंने आम लोगों को, और मुझे तो इवन पता चला है कि अपने रिश्तेदारों को भी इन्होंने तो उसमें अलॉटमेंट दी। अब वहाँ फर्जी अलॉटमेंट है ना, अपने नाम कर रखे हैं, अब जब जाँच होगी तो आ जाएंगे इनके नाम। अभी आप वर्तमान में विधायक, एक बात है, इन्हीं का जिला पंचायत का रजिस्टर्ड ठेकेदारी, इसमें ठेकेदारी करता जो इनका वो बना हुआ है, इस्टीमेट या बना हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना ठेकेदार करके उससे मंजिल को बना डाला फ्लैट, मतलब वो भी ठेकेदार, वो भी अपना कॉन्ट्रेक्टर भी बाहर का नहीं है, बाहर का कर दिया, जब जिला पंचायत का होना था, तो सब फर्जीवाड़ा है इसमें। अभी आपने बताया नहीं, मैं किताब लेकर दिखाता आपको, दिखाऊंगा, इतना बड़ा चिट्ठा है सामने रखा, इसमें एक एक बिंदु खुला हुआ है, 700 पेज लिखे हैं मैंने, एक एक चीज लिखी हुई है जी। मैं पीएचडी करी है, 2.5-3 साल इसी पे लगा रहा हूँ, कितना एक किसान ने, किसान या फौजी या पुलिस, फौजी जब नौकरी से आता तो ये सोचता भी मैं यहाँ दुकान ले लूँ या मकान ले लूँ, और जब तक मेरी बेटी बड़ी होगी इसकी कीमत बढ़ जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी। तो इन्होंने किसानों का और उनका जवानों का खून नहीं पिया, इन्होंने तो सबको बर्बाद करके रख दिया, यही नहीं करी, नौरारा तो, डिवाई तो, गुलाबटी तो, जहां जहां जिला पंचायत की जमीन है सब बिक डाली। अब जानकारी कर ले, बता देगा प्रशासन। अब यहाँ वर्तमान में देखिए भाई, एक बाहर बैठा, एक सराय कुड़िया है, उस सराय कुड़िया जमीन को 802 कल ही सीएम साहब से मिल के आए, उसके बारे में केवल जो सबोद जी थे कालीचरण, उनकी थी 802 मीटर जी, लेकिन उस एएमए ने 802 की जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इनकी 802 इतने दे दो, क्योंकि पहले वो सरकार को दे रखी थी किराए पर, लेकिन उसी एएमए ने क्या कहा, हमको 802 को जीरो बढ़ा दी, 8020 कर दी। अब आज का रेट 1.5 लाख रुपए गज का रेट है, 1200 करोड़ का घोटाला उसमें, और अपने ये कोर्ट में जाके अपने स्वामित्व खत्म कर दिया एएमए ने, कि हमारी जमीन नहीं है, लिख के दे दिया, क्यों इसी को खोलने के लिए बैठा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ, ये व्यापारी बार बैठे हैं, 40 साल से लोग रह रहे हैं, उन्हें जो भ्रष्ट हुए हैं माफिया, उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं जी। तो अभी विधायक जी, आप वर्तमान में यहाँ एमएलए हैं, आपकी सरकार है, तो इसमें ये पूरे जिला पंचायत के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, आपकी राजनीति का सिद्धांत क्या है? क्योंकि जनरली क्या है, मैं, हम लोग मीडिया में हैं, देखते हैं कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, हर आदमी मैक्सिमम जो है वो करप्शन, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आपकी जो राजनीति है उसका उद्देश्य क्या है? मेरी राजनीति, मैं संघ संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, 30 साल से पार्टी के साथ हूँ जी। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अंत्योदय से भारत उदय, अंतिम पायदान पे खड़े आदमी को बिना किसी भ्रष्टाचार के उस लाभ मिल जाए, जो आदरणीय मोदी जी, अभी आज किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जो पात्र रह गए थे उन्हें हम लोग घर घर जाके उन जोड़ रहे हैं, ताकि कोई भी सम्मान निधि से रह ना जाए। अब जब से आदरणीय मोदी जी बने तब से भ्रष्टाचारी खत्म कर रहे हैं, फिर परिवारवाद भ्रष्टाचारी तो कर रहे हैं। अभी मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी, दोनों लोगों का उद्देश्य है कि करप्शन जो है वो खत्म हो, दोनों लोगों का उद्देश्य है कि करप्शन बिल्कुल भी रहे ना, भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पे, अपराधी किसी भी कीमत पे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी देखो, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा नगलो में, क्या भूतोनो भविष्य थी, 33.5 लाख करोड़ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट के लिए एम साइन करे, क्यों कि यहाँ का सुशासन, यहाँ का शासन, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लॉ एंड ऑर्डर ही तो है। पहले व्यापारी नाम से डरते थे, उत्तर प्रदेश ऊतों का प्रदेश, आज क्या कहते हैं, विकास का प्रदेश है, आज एक्सप्रेस वे का प्रदेश है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही बनना है, एशिया का तीसरे नंबर, पहले नंबर का है, और पूरे दुनिया का तीसरे नंबर का है, यहाँ पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एयरबेस या गंगा प्रयागराज, मेरठ से लेकर एक्सप्रेस वे बनना। मैं विधायक जी ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि करप्शन पे जो ये चीज़ें चल रही हैं, आपकी जो शीर्ष नेतृत्व है वो करप्शन के खिलाफ है जी, लेकिन आपकी जो कॉन्स्टिटेंसी है, जो जनपद लेवल पर, क्या भ्रष्टाचार अब कम हुआ है या खत्म हो चुका है, क्या है आपका क्या कहना? धीरे धीरे खत्म होगा, ये भ्रष्टाचार की जड़ इतनी जगह अब काफ़ी कम है। अब देखो ना, हमारे यहाँ हम तो रोज निरीक्षण करते हैं, कहीं ना कहीं डेली का काम है हमारा जी, आप जनता से पूछ लेना, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता तो निरीक्षण ना करते हम, तो हमारा काम ही है कि भ्रष्टाचारी को जेल भिजवाना, जो पकड़ में आ जेल भेज देंगे, वैसे काफ़ी जगह काफ़ी हद तक ठीक है, वैसा नहीं है, क्योंकि एकदम तो जाएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी किसी कीमत पर भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो।
अभी अभी देखो ना नोटबंदी का, ये तुम्हारे सामने 2000 का हमने नोट बंद, वो छापना ही तो बंद करा, लेकिन जो वो है माफिया है जो लिए बैठे गड्डी गड्डी उनकी नींद उड़ गई भाई। हमने छापना ही तो बंद करा, छापना क्यों बंद करा, एक्चुअल उसका 2000 का चलन नहीं रुक गया, लोग लेके बैठ गए जी। आरबीआई ने जब देखा कि 2000 का नोट ही बाजार से हट गया तभी तो ये नोट छापना बंद करा, और अब जब उनके पास नोट है तब निकालने के लिए परेशान है जी जी जी। तो ये माफिया पे ही तो कब्जा है, ये भ्रष्टाचार पे ही तो है सीधी सीधी चोट। ये तो अच्छी पहल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई नोट जो बंद किया है। आप 17-18 महीने जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, तो आपके कुछ 18 महीने कुछ ऐसे कोई यादगार काम है जिनको आप बताना चाहेंगे? यादगार काम ही भ्रष्टाचार में बोले हो, भ्रष्टाचार खुलने काम मैंने करा मोल का, इससे बड़ी यादगार का काम हो। तो इस पर क्या लगता है आपको? एसआईटी जांच कर रही है, जेल जाएंगे पूरा दिन, जेल जाएंगे जो समझे तो बिल्कुल 100% जिन लोगों को इन्होंने एलओटी, जिन्होंने जमीनें खरीद, जो फ्लैट खरीदे हैं, दुकानें खरीदी हैं, उन सबको ऐसा ना सरकार से बात रखेंगे, पहले तो इनकी जांच होगी, ये तो समझ में आवे कि इन्होंने गलत करा क्या है। हम तो यही तो कह रहे हैं एसआईटी की जांच, और जो इन्होंने माल खाया पैसा खाया उसे सरकार में जमा करें जी, फिर एलओटी आएंगे उनके लिए सरकार से प्रयास करेंगे, एलओटी को मिलना चाहिए, उनका हक है। किसान का क्या कसूर है? उन्हें गन्ना बेच के मकान ले लिया है, उसका तो बेचारेगा पैसा भी गया और मकान भी गया। और जो उसका उद्देश्य था किसान का कि 10 साल बाद ये इतने पैसे का हो जाएगा, आज मैंने 3 लाख दिए, 10 साल बाद बैंक से भी हो तब भी 10 लाख हो जाएंगे, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, बिल्कुल है, उसका क्या कसूर है? इन्होंने भ्रष्टाचार पेट भरा अपना, वो सब सरकार कर रही है, और 100% मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। SIT हो ही नहीं सकते जी। अरे माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है, हर गलत काम पे SIT होगी, बिल्कुल। और ये तो आपका सौभाग्य है कि आप इस जिला पंचायत के बाद यहाँ विधायक है और पावर में है। सरकार ने, पार्टी ने और जनता ने जी, दोनों ने मेरा काम कार्यकाल देखा जी, जिला पंचायत जी सभी ने देखा, इसलिए सरकार ने मुझे मौका दिया। और मैंने एक कसम खा ली थी जब ही कि जब मैं इस मॉल के खेल को खोलने के लिए, जो मॉल का खेल है इसे खोलने के लिए एक दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाने का प्रयास करूँ, वो मेरे भाग्य बिहारी ने सुनी और जनता ने मुझे और मेरी पार्टी ने मुझे बना के विधायक बनाया। और तभी सबसे पहले क्वेश्चन मैंने यही उठाया विधानसभा कि मैं इस मॉल के अपराधी को छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पर भी, और मॉल नहीं मेरे विधानसभा में कोई भी अपराधी होगा या कोई भी भ्रष्टाचारी होगा उसे ही नहीं छोड़ेंगे। अभी आप सदर विधायक हैं बुलंदशहर के, तो कितने गांव हैं आपके क्षेत्र? 121 ग्राम पंचायत है मेरा, ग्राम पंचायत है 121। तो अभी आपको लगभग 1 से 1.5 साल हो गया आपके कार्यकाल को, तो अभी सभी गांव में आपने भ्रमण कर, सभी गांव भ्रमण नहीं, हर गांव में विकास कराया जी। भ्रमण की तो ये मेरा ये काम था, जब मैं विधायक ना बना था तब मेरा यही कहता था अगर विधायक बन गया तो आपको विधायक को शहर में आने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर गाँव में पहला सुबह उठता हूँ, नाश्ता शहर में किसी न किसी करके, जहाँ 20-30 आदमी इकट्ठे होते हैं, नाश्ता करता हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान वहीं करता हूँ जिस अधिकारी से संबंधित हूँ। उसके बाद यहाँ 12-1 बजे के बाद फिर ग्रामीण भ्रमण है, ग्रामीण में कहीं ना कहीं जिस भी गांव में जाऊँगा वहीं से कह देंगे भाई भोजन तैयार कराना, उस किसान के यहाँ भोजन करेंगे और वहाँ भी उस गाँव के 20-30 जो भी आदमी बैठते होंगे, बिजली समस्या, पानी समस्या, पुलिस से समस्या, तहसील से समस्या, जो भी समस्या होगी उस समस्या का निराकरण वहीं बैठ के करेंगे। अच्छा, अभी आप तहसील की बात मुझे याद आ गई कि तहसील में आजकल हम लोग देखने को मिलता है कि एक एक गांव पर पटवारी जो है, एक एक पटवारी पर 18-18, 15-15 गांव हैं, 20-20 गांव हैं, 10-10 गांव हैं, तो ये समस्या आपके सामने आई है क्या? नहीं, मेरे सामने कोई समस्या नहीं आई, ऐसी नहीं आई कि भाई एक एक पटवारी को 10-10, 15-15 गाँव दे रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे ये समस्या है देखने को, अगर कोई देगा बताएगा तो उसका निराकरण कराएंगे। तो क्षेत्र की जनता जो है खुश है आप? खूब, मैं क्यों कहूँ खुश है, वो तो मोदी योगी खुश है और बताएंगे क्षेत्र विधायक का काम। मोदी योगी का तो अपना देखिए वो प्रदेश, और मैं अपने कौन मिठाई वाला कहकर मेरी मिठाई करूंगी है। आप जाओ जनता में सर्वे, आप पत्रकार हैं, आप उनसे जानकारी लो भाई क्या है। नहीं बिल्कुल, वो जानकारी हम लेंगे। तो अभी आपका वो पड़ा होगा रजिस्टर, वो देख लो, वो 250-300 आदमी की एंट्री विद नंबर मिलेंगे, विद कंप्लेंट मिलेगी, और निराकरण हुआ ना हुआ ये भी लिखा जाएगा, हुआ है तो यस, ना हुआ तो नो, और पूरा का पूरा चिट्ठा 1 महीने में 2 महीने में जब CM साहब से मिलेंगे तो बता दें कि इतनी समस्या है, इसी अधिकारी ने समस्या का समाधान करा, इन्होंने ना करा, वो चिट्ठा उन्हें पकड़ा दिया, उन्हें क्या करना हो जाना, हमने अपना काम करके दे दिया कि हमने 3 महीने में इतने लोगों की समस्याएं सुनी, इन समस्याओं में से इस संबंधित अधिकारी को हमने पत्र लिखा, उस पत्र के माध्यम से उसने काम कर दिया तो ओके लिख दी, नहीं करा तो उस पर नो लिख दिया, और उसे जाने अपना सरकार भाई कैसे करेगी। ओके, मतलब आप अधिकारी का कोई काम नहीं करता है तो आप उसको? मैं करता हूँ, मैं तो अखबार छपवाता हूँ, कोई फोन नहीं उठाता था जी, मैं नहीं छोड़ता बिल्कुल, क्यों
जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की आवाज नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं और जनता ने आपको चुना है, आपका उद्देश्य है कि भी हम जनता का काम करें, और अधिकारी जो नहीं सुन रहा है तो उस अधिकारी का। देखो, मैं आपको बताऊँ, केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जी जो राष्ट्र हित का काम करती है, और 100% आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम 2025 तक इस भारत को विश्व गुरु बनने जा रहा, कोई रोक नहीं सकता। नहीं, अच्छी बात है, जनता आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, जनता का पूरा आशीर्वाद जनता ने मन बना लिया है आदरणीय मोदी जी और योगी जी के साथ रहने का। आपका जो बुलंदशहर विधानसभा है, इस विधानसभा को लेकर विजन क्या है? आप अभी मेरी विधानसभा का तो विजन यही है कि हमारे सब नागरिक अपना सुरक्षित रहें, सब अपना धंधा व्यापार बढ़िया से करें, बढ़िया से अपनी लाइफ स्टाइल जिए। मेट्रो आ जाएगी तो लोग दिल्ली जाने के लिए यहीं से अपने बैठेंगे, जीप एयरपोर्ट जाएंगे। बाईपास है चारों तरफ, मेरा प्रयास है, अब भी कर ही रहे हैं कि चारों तरफ ये बाईपास बन जाए ताकि रोड जाम ना हो। रिंग रोड जो है, रिंग रोड की मांग हमारी, जो शाहना रोड और अनूप शहर, और उसकी मांग हमारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इसमें जल्दी काम करेंगे, मेट्रो पे भी दिया है जी। हम तो चाहते हैं हमारा बुलंदशहर पूरे दुनिया में बुलंद रहे जी। जो जनता के लिए जो भी काम करना हो, विधायक 24 घंटे उपलब्ध है। कभी कई चीजें बदली हैं, कोई भी क्या कहते, 100% रिकवरी फोन की है, और किसी का फोन आएगा नहीं भी उठा तो उसको वापसी खुल जाएगी। एक डेढ़ साल के टर्न ओवर में विधानसभा की सबसे बड़ी आपके सामने चुनौती क्या है? नहीं, सरकार का काम इतना बड़ा चुनौती है ही नहीं। देखो ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल, बाबू कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज हमें दे दिया जी। हम लोग जब पीछे की बात करें, 70 बनाम 9 साल, आज के दिन मोदी जी ने शपथ ली थी मेरे ख्याल से जी। अगर बात करें 9 साल में कितना बदल दिया, यही वही देश है जिसको देख वहाँ दूर से चिल्लाते इंडिया यू आर चिटर आज, और इंडिया ऐसे उंगली करते हैं हम लोग। नहीं, वो तो देखिए इंटरनेशनल, आज पूरी दुनिया भारत के निगाह तरफ देख रही है भाई, कैसे हम भारत में व्यापार करें। आए पूरा निगाहें आए, और विपक्षियों की जिनकी मोदी ने दुकानें बंद करी हैं वो ये सोच रहे हैं 2014 में मोदी आए ना आए। देखो, विपक्ष के साथ साथ वो देश भी जुड़ रहे हैं इनके साथ कि जिनकी हमने यहाँ जो धंधा करते 2 नंबर के मोदी जी ने बंद करें, वो भी चाहते हैं, वो इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी ना बन जाए। अरे भाई क्यों ना बन जाए, क्या कारण है? देखिए कि उनकी दुकानें बंद होगी भ्रष्टाचार की, यही तो भ्रष्टाचार की वो है ना। पहले लोग क्या करते थे, यहाँ से पैसा जमा करते थे विदेश में, मोदी जी ने बंद करा दिया ना, तो भ्रष्टाचार रुक गया जी। जी, अभी यहाँ एक गांव में जो टंकियां लग रही हैं, जो जल बोर्ड से टंकियां लगाई जा रही हैं, ये यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही जनपद है, और यहाँ काफ़ी कैनाल्स हैं, नहरें हैं, और पानी की यहाँ पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है। लेकिन ये जो टंकियों वाला जो प्रोजेक्ट है, गांव-गांव में जो टंकियां लगाई जा रही है, ये गांव में जैसे सीसी रोड बने हुए हैं, बड़ी मुश्किल से सीसी रोड बने हैं, वो तोड़ तोड़ के वहाँ पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसके बाद भी गाँव के लोग उस टंकी का पानी यूज नहीं कर रहे हैं। और वो लोग क्योंकि पानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में है, मोटर है, नल है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? ये टंकियां, ये नल जो लगाई जा रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जैसे बुंदेलखंड है आपका, यूपी का पार्ट है, वहाँ पानी की कमी है, या जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ टंकियों की ज़रूरत है, पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है, तो क्या ये प्रोजेक्ट वहाँ ना ले जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग यूज ही नहीं करते इसको? तो पूरे उसमें है, ये पूरे भारत देश में जी। आगामी इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा आपको जी। हर घर जल नल की योजना सरकार के, बहुत अच्छा परिणाम इसलिए मिलेगा कि हम लोगों ने जो बोरिंग कर रखे हैं, हम देहाती आदमी समय से जुड़े हैं, वो 100-125 फुट पे है जी। वहाँ पानी खराब हो चुका है, और ये जो बोरिंग है 350 फुट पे है जी। तो इसका आगे जब थोड़े दिन बाद देखेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा इसका, पानी की गुणवत्ता। हाँ, गुणवत्ता अच्छी है, तो इसलिए आप लोग जो है इस पर काम बिल्कुल। और जहाँ सड़कें टूटी वो बनाएंगे, 45 दिन के अंदर हमें चल थोड़ा ऐसी बनानी है चल फिर सके, उसके बाद टेस्टिंग के बाद तो उसी तरह बना के देंगे जिस तरह वो है। और इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब भी नहीं लड़ रहे, अभी हमने परसों सीएम साहब की मीटिंग थी उसमें भी उठाया, अखबार में छपी, गुणवत्तापूर्वक काम हो, समय पर काम करें, ये सरकार की प्राथमिकता है। जो बुलंदशहर की विधानसभा की जनता आपको देख रही है, जो लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं तो यही रहूँ, सुख शांति रहे अपना जिले में, सब लोग अच्छी तरह से अपना जो काम धंधे करें उन्हें करें, विधायक के लिए कभी भी कोई काम हो मैं उसके लिए तत्परता हूँ। जनता का जहाँ पसीना गिरेगा विधायक का, वहाँ खून गिरेगा, ये मेरी गारंटी है। कोई काम, व्यापारी मेरे यहाँ खुश है, किसान मेरे यहाँ खुश है, कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो अपराध और आपराधिक माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, वो उसी का परिणाम है कि चारों तरफ राम राज्य है जी। मेरे यहाँ आप विधानसभा में कोई घूम कर देख लीजिए,
आप एक आध एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा आपको, क्यों डेली निरीक्षण करते हैं, जहाँ भी होते हैं वहीं खड़े होकर अधिकारी को कहते हैं भैया इसको ठीक करो जी। तो जनता हमारे यहाँ बुलंदशहर में बस अमन चैन रहे और सब लोग आराम से शांति से रहे, बस यही मेरा। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे बुलंदशहर विधानसभा के विधायक प्रदीप चौधरी जी। हमने उनसे बात की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा और क्षेत्र के बारे में अपनी बातें बताई, अपने जीवन के बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार।